नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS News। मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र में पैसों को लेकर हुई जमकर मारपीट, पीड़िता ने थाने में दी तहरीर। बुधवार को सिविल लाइन क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में रात्रि 10 बजे दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दरअसल पूरा मामला जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में रहने वाली बबीता पति मनोज कुमार पर कुछ उधार के पैसे थे, जिसे लेने थाना सिविल लाइन के हिंगेरी में रहने वाला नवीन पुत्र सतपाल सिंह उर्फ काले अपने उधार के पैसे बबीता के घर लेने पहुंचा। नवीन ने पीड़िता बबीता और उसके परिवार के साथ बदसलूकी कर दबंगई दिखाई। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और पीड़िता बबीता तथा उसका पति मनोज कुमार व पुत्र गौरव के गंभीर चोटें आ गई, जिसको लेकर पीड़िता सिविल लाइन थाने पहुंची। पुलिस ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर पीड़िता पक्ष का मेडिकल कराया और तहरीर लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे पे नवीन के पैसे थे उधार के, तो मैं तो घर पे थाने में अपने किसी काम से गए का था, तो मेरी बहू घर पे खाना बना रही थी, तो उनने उसे अकेली देख के उसके ऊपर हावी हो गया। मेरी वाइफ जो थी वो नीचे थी, है ना, वो कोई सामान वामान लेने गई थी। मेरा एक छोटा लड़का है गौरव, उनने आगे देखा, जब उसकी भाभी चिल्लाई तो उसने आगे देखा तो उसने उसके लड़के के चोट मार दी, यहाँ कनपटा फाड़ दिया। फिर वो चिल्लाया तो मेरी घरवाली आई तो उसके सिर में भी उनने पाइप मार दिया, प्लास्टिक का पाइप था। उनने उसका बाप कलुआ आया तो उनने मुझे मारा, सिपाल उर्फ कलुआ, उसका लड़का नवीन, बाप का नाम कलुआ सिपाल। कहाँ रहते हैं ये? रहते आदर्श कॉलोनी, इस टाइम हिमगरी में रहते हैं। ये लड़का नौकरी करता है और ये गलत काम भी करता है, दो नंबर का भी धंधा है इसका। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं आदर्श कॉलोनी रहता हूँ। अच्छा, जब झगड़ा हुआ उसके बाद आपने पुलिस से शिकायत करी? मैं फकीरपुरा चौकी गया, वहाँ से मैंने NCI लिखवाई, फिर मैंने महिला थाना भेजे अपने बच्चों को, अपनी बहू को, जो उसके साथ उन्होंने छीन झपट करी, यानी बलात्कार करने का सीधा सीधा प्रयोग करा, लेकिन उनने उसे कब्जा नहीं पाए, लेकिन उनने पूरा पूरा प्रयास करा लड़के ने, नवीन ने। फिर मेरे लड़के के सिर में चोट मार दी, उसके यहाँ से पूरा कनपटा फट गया, खून से लखपत, मेरे घरवाली के सिर में चोट मार दी। अब आप लोग कहाँ पर आए? मैं अब थाना सिविल लाइन आया हूँ, मेरे बहू की और मेरे लड़के की जांच हो रही है, मैंने भी अपनी जांच करवा ली है। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, ना मैं कल SSP भदौरिया के पास पेश होना चाहूँगा अगर यहाँ से मुझे इंसाफ नहीं मिला तो। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, कहाँ रहते हो? बाद कॉलोनी में, आदर्श 23 POC का। पिता का नाम क्या? मनोज। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना हुई? ये हुआ, हमारे पिताजी ने कर्जा ले रखा था नवीन से, तो हमारी भाभी रसोई में खाना बना रही थी, तो नवीन ने पूछा हमारे भाभी से कि पापा कहाँ हैं, तो हमारे भाभी ने कहा कि पापा है नहीं, आएंगे तो मैं उन्हें कह दूँगी। तो वो हमारे भाभी से बदतमीजी से बात कर रहे थे, तो फिर मैं गया तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मार दिया और मेरा सर फाड़ दिया, यहाँ पर सर फाड़ दिया, और बस मम्मी को, हमारे मम्मी को प्लास्टिक के डंडे से दो सर पे मारे हमारे मम्मी के, तो ये वो बात हुई। और फिर पापा आ गए तो उन्होंने पापा को मारा हमारे, उनका ये जो खून निकाल दिया यहाँ से। ये कौन है आपकी? ये हमारी मम्मी है। क्या चाहते हो? हमको तो केस लग जाए इन पर, हम ये चाहते हैं गरीबी की सुनाई होनी चाहिए। बबीता नाम है, जब गरीबों को ऐसे मारेंगे तो गरीबों की सुनाई नहीं होगी, इनके ऊपर केस होना चाहिए। जैसा किसने हमला किया आपके ऊपर, कैसे बोले कर? नवीन ने और उनके पापा हैं सपाल सिंह, सपाल सिंह नाम है। क्या क्या करा उन्होंने, क्या ऐसी घटना? उन्होंने आते ही हम पे हमारे डंडा मार दिया, और फिर हमारे पापा आए, हमारे पापा के चोट चलाने लगे, तो नवीन के पापा हैं सतपाल सिंह, उनकी उम्र ज़्यादा थी तो हम उनके वजह से बोले नहीं, तो उनके ऊपर हम उनके उम्र का हमने लिहाज करा, ये बात हुई थी। तो हमने उनके उम्र का लिहाज करा, तो उन्होंने हमारे सर पर फाड़ दिए, हम कुछ बोले, और हमारे मम्मी को डंडे मार दिए और पापा के चोट मार दिए। ये अभी की बात है कि 10 बजे की पुलिस में शिकायत करी आपने? हाँ। चौकी पे गए थे, फिर चौकी के दरोगे ने कहा कि थाने में जाओ, फिर थाने में कर हो गई रिपोर्ट। तहरीर दे दी आपने? हैं, तहरीर दे दी? हाँ दे दी।